तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीट और पैनल को वापस से लगा लिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना एलईडी रिंग लाइट वर्क करता नहीं करता। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर अपनी बाइक के ब्रेक लाइट पर कुछ इस टाइप के एलईडी रिंग लाइट को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है फ्रेंड्स, वो काफी ज्यादा इजी है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये जो एलईडी रिंग लाइट है फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी लोकल बाइक एक्सेसरी शॉप में 50 से 60 रुपए में इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, लगाते हैं इसे अपनी बाइक में। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, एलईडी रिंग लाइट को अपनी बाइक के ब्रेक लाइट पर इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बाइक के ब्रेक लाइट के ग्लास को खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ब्रेक लाइट के ग्लास को खोलने के लिए आपको सिंपली स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस वाले नट को खोलना है और इस वाले नट को खोलना है और सिंपली ग्लास को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से ग्लास को खोल लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ग्लास को खोलने के बाद आपको सिंपली एलईडी रिंग लाइट को रिफ्लेक्टर के ऊपर फेविक्विक की हेल्प से स्टिक करना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस पे दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप रिफ्लेक्टर के ऊपर एलईडी रिंग लाइट को यहाँ पर कुछ इस टाइप से स्टिक कर सकते हो, या तो आप ग्लास के ऊपर स्टिक कर सकते हो और ग्लास यहाँ पर कुछ इस टाइप से लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से एलईडी रिंग लाइट को रिफ्लेक्टर के ऊपर स्टिक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको उसके कनेक्शन बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रिफ्लेक्टर पर एलईडी रिंग लाइट को अच्छी तरह से स्टिक कर लिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, के कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बाइक की सीट को ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, सीट को ओपन करने के लिए आपको दोनों साइड के पैनल को ओपन करना है और सीट के नट को 10 नंबर की से खोलना है और सीट को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सीट को खोल लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, सीट को खोलने के बाद आपको एलईडी रिंग लाइट के दोनों वायर्स को ऊपर की तरफ निकाल लेना है और इनका कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, एलईडी रिंग लाइट का जो ब्राइट वायर है वो फ्रेंड्स एलईडी रिंग लाइट का पॉजिटिव पॉइंट है और फ्रेंड्स एलईडी रिंग लाइट का जो ब्लैक वायर है वो फ्रेंड्स एलईडी रिंग लाइट का नेगेटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन दो टाइप से होंगे, या तो आप एलईडी रिंग लाइट को पार्किंग के ऊपर रख सकते हो या तो आप रिंग लाइट को ब्रेक के ऊपर रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, एलईडी रिंग लाइट का ब्रेक के ऊपर कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपली रेड वायर को ब्रेक सॉकेट के रेड वायर पर कनेक्ट करना है और फ्रेंड्स रिंग लाइट के ब्लैक वायर को आपको ब्रेक सॉकेट के ब्लैक वायर पर कनेक्ट करना है। और फ्रेंड्स, रिंग लाइट का पार्किंग के ऊपर कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपली रिंग लाइट के रेड वायर को आपको ब्रेक सॉकेट के ग्रे वायर पर कनेक्ट करना है और रिंग लाइट के ब्लैक वायर को आपको ब्रेक सॉकेट के ब्लैक वायर पर कनेक्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको रिंग लाइट का ब्रेक के ऊपर कनेक्शन करके बताता हूँ और सीट को वापस लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना रिंग लाइट वर्क करता नहीं करता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीट और पैनल को वापस से लगा लिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना एलईडी रिंग लाइट वर्क करता नहीं करता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपना एलईडी रिंग लाइट अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको एलईडी रिंग लाइट कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके कुछ नाइट के शॉट्स दिखाता हूँ, देन करते हैं वीडियो को एंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एलईडी रिंग लाइट की नाइट के अंदर कंडीशन दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नाइट के अंदर अपनी एलईडी रिंग लाइट कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये नाइट के अंदर कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके नाइट के शॉट्स दिखाता हूँ, देन करते हैं वीडियो को एंड। So I